हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल इम्प्रूवमेंट। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए। फ्री में एक सर्टिफिकेट लेके आया हूँ जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप लोग को मिल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आप लोग कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप लोग को ये सर्टिफिकेट मिल जाने वाला है, जिसके लिए आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होगी। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ है जो बेसिक से डिटेल्स है, उसी को फिल करनी है। तो इस वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि आप लोग को बिल्कुल फ्री में वो सर्टिफिकेट मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है आप लोग के लिए। आप लोग देख सकते हैं फ्री सर्टिफिकेशन की वीडियोज़ आप लोग को बहुत सारी मिल जाएगी, साथ में आप लोग को इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाएगी, साथ में कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स भी आप लोग को मिल जाएगी। तो वीडियो को वॉच करते के बाद आप लोग मेरे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा एक बार। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है और आप लोग सीधा इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप लोग को फ्री में सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जो बिल्कुल फ्री है आप लोग के लिए। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके इसके बारे में पढ़ना है तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं विजिले अवेयरनेस ऑफ 2020 का आप लोग को सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स की आप लोग को लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग अदर गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी आप लोग जा सकते हैं। और साथ आप लोग को यहाँ पर मैंने बताया था कि आप लोग को यहाँ पर टेक प्लीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करते के साथ आप लोग को दूसरे वेबसाइट पे आप लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी रेफ़र किया हुआ है, तो वो भी टाई अप करके रखा हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग को फ्री में सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है ये भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, सेंट्रल विजिलेंट कमीशन की वेबसाइट है ये आप लोग के लिए, जिसके थ्रू आप लोग को फ्री में सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को टेक एज अ सिटीज़न पे क्लिक करना है, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, उनके थ्रू आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लोग इस पर भी क्लिक करके आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। तो आप लोग को टेक एज अ सिटीजन पे क्लिक करते के साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक से डिटेल्स आप लोग को फिल करनी होगी, जिसके थ्रू आप लोग को सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो आप लोग का यहाँ पर सरनेम आप लोग को फिल करना है, तो आप लोग जो अगर आपका सरनेम यहाँ पर है तो वो फिल कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करिएगा। अदर्स पे क्लिक करने के साथ यहाँ पर आप लोग को जो लगाना है, अगर जैसे कि मेरा मिस्टर है तो मैं मिस्टर यहाँ पर लगा देता हूँ, MR करके लगा देता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाम फिल कर लेना है, तो आप लोग नाम फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो मैं सारी डिटेल्स आप लोग को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे नाम फिल हुए कोई है। उसके बाद आप लोग मेल है तो मेल फिल कीजिए, फीमेल है वो आप लोग अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड के लिए मैं पैन कार्ड नंबर कैसे डालूँ, तो इस फॉर्म को कैसे फिल करूँ। तो आप लोग को यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अदर्स ऑप्शन मिल गई है। अगर आपके पास ये तीनों में से कोई है, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, तो उसको आप लोग फिल कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप लोग अदर्स पे क्लिक कीजिएगा। अदर्स पे क्लिक करने के कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और आप लोग यहाँ पर आधार कार्ड आप लोग फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आधार कार्ड तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए अभी के टाइम पे। तो आप लोग आधार कार्ड फिल कीजिएगा, और फिर आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप लोग यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद पिन कोड, जो आप लोग जिस जगह पर रहते हो उस जगह का पिन कोड। उसके बाद स्टेट फिल कर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिएगा। और एक बात, जो आप लोग का मेल आईडी होता है ना, मेल आईडी बहुत ही अच्छे से फिल कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं आने वाला। और साथ ही साथ फ़ोन नंबर को भी करना है आप लोग को अच्छे से फिल, ताकि अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और साथ ही साथ आप लोग को जो OTP आने वाला है, बिना OTP के आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है आप लोग के लिए। तो ये आप लोग को फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, कहाँ वेरीफाई करना होगा वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो उससे पहले मैं सारी डिटेल्स आप लोग के लिए फिल कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है, इसी तरह आप लोग को फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोग को प्रोसीड टू लैंग्वेज सेलेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते के साथ आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा कि आप लोग को लैंग्वेज किस लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करना है। तो आप लोग लैंग्वेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस लैंग्वेज से आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश में सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को रीड प्लेस पर क्लिक कर लेना है। रीड प्लेस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के लिए प्लेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जिस प्लेस जो आप लोग को लिखा हुआ रहेगा वो आपकी ईमेल है, इस सर्टिफिकेट पे वही आप लोग को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोग की जो प्लेस है वो इंग्लिश में टाइप हो रही है। जो आप लोग को जो भी आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा उसी लैंग्वेज पे यहाँ पर टाइप होने वाली है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी प्लेस टाइप हो गई है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, प्लेस पे क्लिक करना है। आप लोग प्लेस पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग से एक ऑर्गेनाइजेशन मांगी जाएगी जिसके थ्रू आप लोग किस हिसाब से, तो आप लोग फ्रेंड और फैमिली पे क्लिक कर लीजिए, सबसे अच्छा बेसिक सा है। उसके बाद आप लोग सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे OTP मांगा जाएगा। तो OTP मैंने बताया था आप लोग की कि आप लोग के फ़ोन नंबर पर OTP आने वाली है, तो आप लोग फिल कर लीजिएगा। मैंने OTP फिल कर ली, उसके सबमिट पे आप लोग क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग की जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुकी है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की लोगो भी लगी हुई है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से आप लोग को ये सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री का मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सेंट्रल विजिलेंस सर्टिफिकेट के आप लोग को कमीशन की मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूनिक आईडी भी आप लोग को मिल जाने वाली है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी ऑप्शंस भी दी गई है कि आप लोग सेंड सर्टिफिकेट ऑन योर मोबाइल डाउनलोड प्लीज़, या फिर सेंड ईमेल के थ्रू आप लोग सर्टिफिकेट को भी मेल्स कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, डाउनलोड ऑप्शन कर लीजिएगा, या तो आप लोग को दोनों चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, या तो आप लोग सेंड मेल पर भी कर सकते हैं, मेल पर भी आपको सर्टिफिकेट सेंड हो चुका है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एक सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।